नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल केसी अग्रवाल पे। जब भी हम नर्सरी जाते हैं और वहाँ छोटे सी कटिंग में बहुत प्यारा सा फ्लावर दिखता है तो हम ये सोचने लगते हैं इतनी छोटी सी कटिंग में इतने अच्छे फ्लावर कैसे आ जाते हैं। ज़रूर कोई केमिकल फर्टिलाइज़र डालते होंगे या फिर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें जिससे कि इतनी छोटी सी कटिंग में भी इतनी खूबसूरत फ्लावर लगे हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि आपकी कटिंग 100% लगेगी और फिर उसमें फ्लावर भी आएंगे छोटी सी कटिंग में। लेकिन ये जानने के पहले आप हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ, बताती हूँ कि आपकी कटिंग 100% कैसे लगेगी। सबसे पहले तो इसमें किसी चीज़ को लगाने के पहले आपको पेशेंस होना चाहिए। कटिंग पेशेंस से ही लगते हैं। अगर आप में धैर्य है और कटिंग को ग्रो करने की डिटर्मिनेशन है तो आपकी कटिंग 100% चलेगी। ये एक हाइबिस्कस की छोटी सी कटिंग है जिसे हमने लगाया था और काफ़ी इंतज़ार के बाद ये फ्लावर खिला है। यह पहली बार नहीं है, हमने हाइबिस्कस की बहुत सारी कटिंग लगाई है और जितनी भी कटिंग लगाई है सब चली है और सब में फ्लावर आए हैं। उसको लगाने के लिए जो आपको दूसरी चीज़ चाहिए वो चाहिए कटिंग। तो कटिंग आप अगर ब्रांच की ऊपर की टिप लेते हैं जो कि पेंसिल जितनी मोटी हो और 4 से 5 इंच लंबी हो, बहुत ज़्यादा लंबी ना हो, बहुत ज़्यादा पतली ना हो, हो सके तो ऊपर वाली ही टिप लें जिसपे कि कलियां और फ्लावर आते हैं। अगर ना मिले आपको उतनी मोटी तो फिर आप बीच की भी ब्रांच ले सकते हैं। लगाने के लिए दूसरी चीज़ चाहिए आपको इसकी सॉइल मिक्सचर। तो सॉइल मिक्सचर बनाने के लिए आपको चाहिए कोकोपीट, सैंड और थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट। आपको इसका रेशियो मैं बताती हूँ कि अगर आप 5 इंच के पॉट में कटिंग लगा रहे हैं तो उसका आधा भाग सैंड और आधा कोकोपीट ले लीजिए 5 इंच के पॉट में, और उसमें 2 से 3 चम्मच आप वर्मी कंपोस्ट मिला दीजिए। उसे अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। अब ये पॉटिंग मिक्स आपके कटिंग के लिए बिल्कुल तैयार है। कटिंग को लगाने के बाद 5 से 6 दिन शेडी एरिया में रखें। उसके बाद इसे ऐसी जगह पे रखें जहां 1 से 1.5 घंटे की धूप मिले। कटिंग लगाने के लिए आप विंटर का सीजन और रेनी सीजन यानी मानसून सीजन को ही चुनिए। आपकी कटिंग 100% लगेगी। साथ में पेशेंस रखिए, कटिंग की छेड़छाड़ मत कीजिए। मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।